स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेम प्लेट लेकर आई हूँ। तो एकदम ही नया डिजाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। यहाँ मैंने ये वॉल पुट्टी के साथ बनाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, कैसे आपको कलर करना है, जो हमारे नॉर्मल कलर होते हैं उनमें और जो मैंने यहाँ पर कलर इस नेम प्लेट में यूज़ किया उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप अपनी नेम प्लेट को बहुत लंबे टाइम तक सिक्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ MDF बोर्ड लेना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है तो आप इसको वेस्ट कार्डबोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक्रेलिक कलर। अगर एक्रेलिक कलर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह यहाँ पर जैसो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी हमारे तीनों कार्डबोर्ड के पीस हैं, MDF बोर्ड के पीस हैं, उनको अच्छे से जैसो के साथ या फिर एक्रेलिक कलर के साथ अच्छे से बेस दे देना है और इस तरह से उनको आपस में ग्लू के साथ फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये वॉल पुट्टी डो। वॉल पुट्टी डो कैसे बनाते हैं वो वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स वाला ये डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पेटल्स बनाए हैं और उनसे एक बहुत ही सुंदर सा फूल वाला यहाँ पर डिजाइन बना लिया है। यहाँ पर ये मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो यही डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ और भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप वॉल पुट्टी डो बनाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जब भी आपने कोई डो बनाया है तो उसको आप इस तरह से किसी भी गीले कपड़े के साथ या इस तरह से किसी भी गीली चीज़ के साथ उसको ढक कर रखें ताकि वो जल्दी से ना सूखे, क्योंकि वॉल पुट्टी डो बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आप वॉल पुट्टी के साथ इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो मोल्डेड की क्ले आती है, फेविक्रिल मोल्डेड क्ले, आप उसके साथ भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर उसके साथ आप बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा फिनिशिंग में होगा और भी बहुत सुंदर लगेगा। अब यहाँ जब ये हमारा पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कैसे आपको अपनी वॉल पुट्टी वाले जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, उसको कैसे अच्छे से फिक्स करना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ भी मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, पैटर्न्स लगाए हैं, उनके नीचे मैंने फेविकोल जरूर लगाया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है फेविकोल। फेविकोल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और जो ये पेस्ट मैंने यहाँ बनाया है, इसको मैंने जितना भी पूरा अपना डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर अच्छे से कम्प्लीटली अप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो भी मैंने इसके ऊपर यहाँ छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड की हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने दो तरह के कलर लिए हैं, एक मैंने यहाँ पे लिए हैं एक्रेलिक कलर और जो दूसरे कलर हैं वो भी एक्रेलिक कलर हैं, लेकिन वो शाइन वाले कलर हैं। आप कुछ भी इस तरह से कुछ बनाते हैं अपने घर की डेकोरेशन के लिए तो हमें थोड़ा सा उसमें अच्छा लगता है कि थोड़ा शाइन करें चीज़ें, थोड़ा सा कलर जो है हमारे उभर के आएँ, तो उनके लिए आप ये वाले कलर ले सकते हैं। मैं ये जो कलर हैं इनका नाम और डिटेल सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये कलर करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जो आप इसमें फ्लावर्स के ऊपर कलर करेंगे उनमें एक बहुत ही अच्छी सी चमक आएगी और जो ये कलर होते हैं जल्दी से निकलते भी नहीं हैं। इनको आपको दो से तीन कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप सिंगल कोट में भी इसको रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी चमक आएगी और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर भी लिए हैं, जो नॉर्मल एक्रेलिक कलर होते हैं, जो ये बेस बनाया है इसमें मैंने दोनों कलर को यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं मिरर्स, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ भी DIY करती हूँ तो मुझे उसमें मिरर्स यूज़ करना बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पर मैं फ्लावर्स को कलर करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने एक्रेलिक कलर लिया है, जिससे कि मैंने जितना भी मेरा फ्लावर्स वाला पूरा डिज़ाइन है उसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये वाइट कलर, जो कि पर्ल वाले जो हमारे शाइनिंग वाले कलर होते हैं वो हैं। इससे मैंने फिर जब हमारा वाइट एक्रेलिक कलर सूख गया तो सूखने के बाद मैंने फिर इस कलर से जो हमारे पूरे फ्लावर्स हैं उनको अच्छे से कलर कर दिया है। ये सूखने के बाद आपको इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स ऐड करनी है।
इस नेम प्लेट को बनाते हुए मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड की हैं, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जो आपकी नेम प्लेट का फाइनल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए और आप बहुत ही आसानी से इस नेम प्लेट को बना पाएं। नेम प्लेट के ऊपर नाम लिखने के लिए मैंने कोन लिया है। ये कोन कैसे बनाना है वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कोन के साथ नाम लिखना नहीं चाहते तो सेम आप ये क्ले के साथ या फिर वॉल पुट्टी डो के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी नेम प्लेट है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको फाइनली मैं वार्निश करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने वार्निश ली है और इसको बहुत ही अच्छे से पूरी जो हमारी नेम प्लेट है उसके ऊपर लगा दिया है। वार्निश करने से जो हमारे कलर्स हैं वो लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होते और बहुत ही अच्छी शाइन भी उनमें आ जाती है। तो वार्निश आप ज़रूर अप्लाई करें। अब वार्निश भी अप्लाई हो गई है, अब इसको हमें वॉल के ऊपर कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये जूट की जो हमारी पतले वाली रस्सी होती है वो मैंने ली है। आपको इसको इस तरह से बहुत ही सुंदर सी चोटी की तरह से बना लेना है और जो ऊपर वाला पार्ट्स है क्योंकि इसमें दोनों साइड थोड़ा सा स्पेस है मैंने इसको वहीं पर बांधा है क्योंकि इसमें मुझे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें स्पेस था। आप इसी तरह से अच्छे से उसको बांध लें और किसी भी वॉल के ऊपर फिर बहुत ही आसानी से वो लग जाएगी। यहाँ पर फ्लावर्स में मैंने काफ़ी लाइट कलर लिए हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी कलर करना चाहते हैं, फ्लावर्स को डार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस नेम प्लेट को बनाते हुए अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट्स का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।